अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने कुछ फ्रेज और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, लेकिन आज हमने उसकी मोर टाइप्स पढ़नी है, जिसमें एक एडजेक्टिव फ्रेज है और एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको फिर दोबारा क्लियर करता चलूँ कि फ्रेज क्या होता है। देखिए, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that have a definite meaning but not complete the sense as a sentence. It is a part of sentence and used in sentence to complete the sense of a sentence. ये यूं कह लें इसको कि अगर हम इसको क्लॉज के साथ कंपेयर करें तो क्लॉजेस आर इफ द क्लॉजेस आर द पिलर्स phrases are its bricks. अगर clauses को हम एक pillar के तौर पर लेते हैं तो जो phrases हैं वो इसमें ईंटों की तरह, material की तरह इस्तेमाल की जाती है। It means bricks are necessary for pillar. तो इसी तरीके से जैसे कि एक sentence जैसे हम लिखते हैं meaningful sentence, तो उस meaningful sentence में फ्रेसिस तो इस्तेमाल की जाती हैं। फ्रेसिस आर नेसेसरी इन अ सेंटेंस, बट क्लॉजेस आर नॉट नेसेसरी इन अ सेंटेंस। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है, एग्जांपल लिखी हुई है कि ही इज अ मैन ऑफ जॉर्जियन स्टाइल। ये एक कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। अगर हम इसमें देखें जॉर्जियन स्टाइल, ये क्या है? ये इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। जॉर्जियन स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक पार्ट है। इसके ये फ्रेज जो है इस सेंटेंस में यूज होती है, लेकिन सेंटेंस के लिए, इस क्लॉज के लिए सेंटेंस का होना जरूरी नहीं है, फ्रेज का होना जरूरी है जो इसके साथ ऐड की गई है, तो हम इसको फ्रेज कहते हैं। अब इसके बाद नंबर एक इसकी टाइप पढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो सबसे पहले तो आपको एडजेक्टिव जानना जरूरी है कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? उर्दू ग्रामर में आपने पढ़ा होगा इसम सिफ्त, किसी की सिफ्त के बारे में पढ़ते हैं, किसी नाम, किसी शख्स की, किसी जगह की या किसी चीज की सिफ्त के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम सिफ्त कहते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन, पर्सन, प्लेस और थिंग्स बीइंग इट सेम। फॉर एग्जाम्पल, यही इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, लिखा हुआ है ही इज अ मैन ऑफ जॉर्जियन स्टाइल, मींस के ही इज अ जॉर्जियन मैन। जॉर्जियन इज एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। इसी तरीके से अगर हम फ्रेज को देखें तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव अ डेफिनेट मीनिंग बट नॉट कंप्लीट अ सेंस एज ए सेंटेंस। अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज को देखें तो एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, जिसका फंक्शन एडजेक्टिव की तरह ही होता है। जितनी भी हमने फ्रेसेस की काइंड्स पढ़ी हैं, नाउन फ्रेज पढ़ी है, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ी है, तो एडजेक्टिव को हम कहते हैं वन वर्ड। इफ वी यूज टू और मोर देन वर्ड इन अ सेंटेंस एज ए एडजेक्टिव, मींस इट इज अ एडजेक्टिव फ्रेज। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि हमारे पास टू वर्ड्स हैं, टू और मोर देन वर्ड्स इफ वी यूज एज ए एडजेक्टिव फ्रेज इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जांपल नंबर वन में देखेंगे ही इज अ मैन ऑफ जॉर्जियन स्टाइल। जॉर्जियन स्टाइल अगर हम इसको सिंपल एडजेक्टिव में कंपेयर करें तो मीन जॉर्जियस मैन, ये जॉर्जियस इसकी एग्जाम्पल होगी, एडजेक्टिव होगी। अब यहां पर ये टू वर्ड्स एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि फ्रेज की डेफिनेशन में लिखी है टू मोर देन वर्ड्स। इसी तरीके से ये टू मोर देन वर्ड एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं, तो हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, ही इज अ मैन ऑफ जॉर्जियन स्टाइल। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर टू में देखें ही इज अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर, सेम एज टू वर्ड दैट डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी या डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। अगर हम इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दें, मीन्स एक वर्ड में ही इज अ बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव,
बेस्ट को कन्वर्ट किया हुआ है फ्रेंडली नेचर टू मोर देन वर्ड में, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। मींस के इफ आ वर्ड डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनी आइडियाज इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इफ टू और मोर देन वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स और एनी आइडियाज इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल नंबर थ्री में लिखा हुआ है दी अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। ब्रोकन हैंडल, अब इसका मतलब क्या हुआ? टूटा हुआ हैंडल, टूटे हुए हैंडल वाली छतरी, ये इसकी क्वालिटी है। अम्ब्रेला नाउन है, ये इसकी क्वालिटी है। अगर हम इसको सिंबल ले लें, सिंपल ब्रोकन अम्ब्रेला, ब्रोकन क्या हुआ? एडजेक्टिव हुई। अब उसी ब्रोकन को टू मोर देन वर्ड में डिस्क्राइब किया हुआ है इसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए। मींस का आप ब्रोकन हैंडल, ब्रोकन हैंडल इज द एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज। ये इसकी क्वालिटी डिस्क्राइब की हुई है नाउन जो हमारे पास अम्ब्रेला लिखा हुआ है। एडजेक्टिव फ्रेज के बाद आ जाएगा नंबर टू प्रेपोजिशनल फ्रेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन या जैसे कि प्रीपोजिशन कहते हैं हम। प्रीपोजिशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, द वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द एक्शन ऑफ ए नाउन या अबाउट द रिलेशन नाउन और सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन जो डिस्क्राइब करता है उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। पोजिशन से ये लफ्ज है, जैसे कि हम कहें द बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल, 10 रुपीज आर इन माई पॉकेट, तो ये इन ऑन ये पे पोजिशन बताते हैं जो वो चीज है वो किस पोजिशन पर पड़ी है। बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स आर अंडर द टेबल, बुक्स आर इन माई बैग, तो ये डिफरेंट पोजिशन को जाहिर करते हैं कि वो बुक्स किस कंडीशन में पड़ी हुई है। तो सेम है टू मोर देन वर्ड दैट डिस्क्राइब द रिलेशन नाउन टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज। आप प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज बिगिंस विद प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये हमेशा प्रेपोजिशन से ही शुरू होती है एंड कनेक्ट्स नाउन। डेफिनेटली नाउन के साथ उसका रिलेशन हमें कन्वे हो रहा होता है तो इसलिए हम उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इसकी एग्जांपल में देखेंगे, नंबर एक एग्जांपल लिखी है He sacrificed his life. उसने अपनी जिंदगी कुर्बान दी for the sake of. अब ये for the sake of four words का जो ग्रुप है ये as a preposition यूज हुआ हुआ है। अगर हम इस सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंपाइल कर दें वन वर्ड में four हो जाएगा। He sacrificed his life for his country. लेकिन इसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए इसी के मीनिंग्स को एक्सपेंड किया हुआ है फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ, तो ये फॉर द सेक ऑफ इज द एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। नंबर टू कनेक्ट विद द नाउन हिज कंट्री, कंट्री जो है ये नाउन हो गया। नंबर टू एग्जांपल लिखी है ही इज ऑन द वे, ऑन द वे, वे जो है नाउन है और इस नाउन से कनेक्ट किया गया ये प्रेपोजिशन ऑन, ऑन जो है प्रेपोजिशन है, तो ये ऑन द वे जो है प्रेपोजिशन फ्रेज की एग्जांपल होगी। नंबर थ्री सेंटेंस में लिखा हुआ है आई फील हैप्पीनेस एट होम, घर पर मैं खुशी महसूस करता हूं। हैप्पीनेस यहां पर नाउन जो है पहले लिखा हुआ है और इसके जो डिस्क्राइबिंग वर्ड एज ए प्रेपोजिशनल फ्रेज जो यूज किया गया है इसमें वो एट होम है और यहाँ पर होम भी नाउन है जो कि इस प्रेपोजिशन एट के साथ कनेक्ट किया गया हुआ है, इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इसी तरह एक और सेंटेंस लिखा हुआ है एज एग्जांपल अली फेल ओवर द कैट, यहाँ पर ओवर जो है ये प्रेपोजिशन है और ये ओवर द कैट जो कि नाउन के साथ कनेक्ट है जिसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी सबको, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।